माताओं भाइयों बहनों, मोदी जी ने अभी अभी समता सरकता सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी की घोषणा करके आदिवासियों को सम्मान देने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बीजेपी के लिए भले घर की बगावत उतनी बड़ी मुसीबत ना हो, मगर उन्हें भी पता है कि जब जनता अपने पर आती है तो अच्छे अच्छों के होश ठिकाने लग जाते हैं। और बीजेपी को लेकर जनता ने आगामी विधानसभा चुनावों में अपना मन बना लिया है। जनता ने अपने इशारे साफ कर दिए हैं कि इस बार बीजेपी के लिए उनकी मुट्ठी पूरी तरह से खाली है, और यही कारण है कि अमित शाह की सांसें फूली हुई है। मध्य प्रदेश से लेकर तेलंगाना तक अमित शाह रोज रैली रैली खेल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अपनी पार्टी के द्वारा फैलाए गए रायते को समेट नहीं पा रहे। अब आलम तो ये है कि लोग शाह को सुनने तक नहीं आ रहे हैं। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और मैं हूँ आपके साथ सुम्बुलीरम। तो तेलंगाना ने भी करीब करीब साफ कर दिया है कि उसके पास इस चुनाव में बीजेपी की झोली में डालने के लिए उम्मीद तक भी नहीं है। कर्नाटक का दरवाजा बीजेपी के लिए जैसे ही बंद हुआ, मानो बीजेपी से तेलंगाना ने भी अपना मुंह मोड़ लिया है। दो चार महीने पहले तक जो पार्टी सत्तारूढ़ बीआरएस की सबसे बड़ी विरोधी पार्टी बनी हुई थी, वो अब पोल से लेकर प्रचार तक में तीन प्रतिद्वंदियों की दौड़ में तीसरे नंबर पर भी सही से दौड़ नहीं पा रही है। कांग्रेस जितनी मजबूती से तेलंगाना में अपनी पकड़ बना रही है, उसे देखते हुए तो यही कहा जा सकता है कि बीजेपी तेलंगाना हो या फिर मध्य प्रदेश, वो कांग्रेस के सामने हाफ ही रही है और हाफ रहे हैं उसके शाह। अब शाह राज्य दर राज्य फुल टाइम पार्टी के प्रचारक बन गए हैं और पार्ट टाइम गृह मंत्री, लेकिन फिर भी जनता है कि उन्हें कोई भाव देने को तैयार ही नहीं है। कल एमपी के छिंदवाड़ा में जहां अमित शाह को सुनने के लिए सही से 400-500 लोग नहीं आए, तो वहीं आज तस्वीरें और वीडियो तेलंगाना से सामने आ गई कि अमित शाह की सभा में कुर्सियां कुर्सियों से बात कर रही थी। शाह बोल रहे थे और जनता घरों में आराम कर रही थी। मतलब ये कि शाह की लगातार दो दिनों में ये दूसरी रैली थी जिसमें शाह ही शाह थे और जनता नदारद। मंच पर शाह, बड़े बड़े प्रोजेक्टर पर शाह, वक्ता भी शाह और श्रोता भी शाह। माना कि बीजेपी को टू मैन आर्मी कहा जाता है, लेकिन अमित शाह आजकल राज्य दर राज्य वन मैन शो दिखाए जा रहे हैं और इस बात का मजा उनके विरोधी ले रहे हैं। देखिए कैसे तेलंगाना से सामने आए वीडियो में अमित शाह भाषण दिए जा रहे हैं और सामने खाली कुर्सियां एकाग्रचित होकर उन्हें सुन रही हैं। इतनी मेहनत देखने की बात तो कुर्सियों को भी लग रहा होगा कि काश उनके वोटर कार्ड होते तो जनता भले नहीं करे मगर वो बीजेपी को वोट कराते। खैर मजाक अपनी जगह, लेकिन शाह की बातों को सुनकर लगा कि वो बीजेपी राज में आदिवासियों के कल्याण की बात कर रहे हैं, और उनकी इसी बात को सुनकर हमें नए संसद भवन के उद्घाटन की याद आ गई जब इस देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति पूरे समारोह से गायब थी और पूरी बीजेपी एक सरकारी कार्यक्रम को पीएम मोदी शो में तब्दील कर रही थी। इसलिए कहते हैं कि सियासत शतरंज की तरह होती है, दिमाग से ज्यादा और जुबान से कम खेली जाती है, और जो जुबान से निकल रहा हो वो जरूरी नहीं कि वही सच हो। खैर हम अपनी बात वापस तेलंगाना की उस सभा पर ले चलते हैं जहां अमित शाह और कुर्सियों के बीच की दोस्ती का जिक्र अब जोर शोर से ट्विटर पर हो रहा है। तस्वीरों और वीडियो से साफ है कि भले ही तेलंगाना की जनता जुबान नहीं खोल रही है, फिर भी उसने इशारे साफ साफ बीजेपी को दे दिए हैं। अब हकीकत बीजेपी अपना ले तो अच्छा, नहीं अपनाए तो उसकी मर्जी, लेकिन तेलंगाना का मूड मोदी एंड कंपनी के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। तो इस वीडियो पर क्या है आपकी राय, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। और हमारे फ्यूजर्निज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, और वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा ज्वाइन के बटन का इस्तेमाल कर हमारे मेंबर बनेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो खबर अड्डा को फॉलो कर लीजिए।